आज के जमाने में सुपर हीरो टीवी शोज और मूवीज की बाढ़ आ चुकी है, लेकिन उनमें से बहुत कम होते हैं जो सुपर हीरोज के ड्रेडफुल, डार्क येट रियलिस्टिक साइड को भी एक्सप्लोर करते हैं और हमारे सामने सुपर हीरोज का एक नया परसेप्शन लेकर आते हैं। और उन्हीं में से सबसे बेहतरीन में से एक साबित हुई है Amazon Prime पर इस साल रिलीज हुई द इनविंसिबल एनिमेटेड शो, जिसने बहुत सारे डाई हार्ड ट्रेडिशनल सुपर हीरो फैंस को बहुत ज्यादा शॉक किया। और अगर आपने इनविंसिबल की कॉमिक बुक सीरीज को नहीं पढ़ा है तो आपके लिए और भी बहुत कुछ है शॉक करने के लिए, जिसे आज की स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन इनविंसिबल कॉमिक बुक वर्सेस इनविंसिबल Amazon टीवी शो। इसीलिए मैं पहले ही वॉर्न कर देता हूँ कि ये वीडियो पूरी की पूरी स्पॉयलर्स होने वाली है, तो अगर आपने इस सीरीज अभी तक ना देखी हो तो इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर दीजिए और सीरीज के देखने के बाद इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। और जो देख चुके हैं उनके लिए, हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो इनविंसिबल कॉमिक बुक सीरीज अपनी कॉमिक बुक सोर्स मटेरियल के बहुत हद तक सिमिलर है, पर फिर भी इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा और सबसे कॉमन डिफरेंस है स्टोरी के रिदम, पेसिंग और प्लेसमेंट का। जहां पर Amazon Prime के 8 एपिसोड की सीरीज के अंदर कॉमिक से हटकर कई चीजों को बहुत ही जल्दी और एक्सेलरेटेड वे में दिखाया गया है, साथ ही साथ कुछ जगहों पर कई सारे कॉमिक बुक के लेटर एलिमेंट्स को पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एग्जाम्पल के रूप में कॉमिक्स में मार्क सिसिल से तब तक नहीं मिलता है जब तक कि ओमनी मैन धरती को छोड़कर नहीं चला जाता। साथ ही साथ मार्स पर मौजूद सेक्विड्स की कहानी को कॉमिक बुक में तब दिखाया गया है जब ओमनी मैन धरती से चला जाता है और सिसिल बेसिकली उसे गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉय करता है। साथ ही साथ वो कॉमिक बुक के अंदर टाइटन से भी इसी दौरान मिलता है। ऑफ कोर्स ये चीज कॉमिक बुक रीडर्स को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन अगर सच कहा जाए तो कैरेक्टर्स और उनके आर्क को समझाने के लिए, साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर सीजन को सेटअप करने के लिए नरेटिव के साथ ये छेड़छाड़ थोड़ी जरूरी थी। कॉमिक बुक से हटकर सीरीज के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स को उनकी एथनिसिटी और जेंडर से बहुत ही ज्यादा डाइवर्स दिखाया गया है। जहां पर अगर सबसे पहले बात करें अपने मेन हीरो यानी इनविंसिबल की, तो कॉमिक बुक से अलग सीरीज के अंदर हमें मार्क ग्रेसन को एक बायरेशियल टीन के रूप में दिखाया गया है, जहां पर उसकी माँ एक कोरियन अमेरिकन है। और बात यहीं पर नहीं खत्म होती, इन दोनों कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देने वाले एक्टर्स भी कोरियन डेसेंट से बिलोंग करते हैं। वहीं पर इनविंसिबल की गर्लफ्रेंड एम्बर कॉमिक बुक के अंदर एक वाइट फीमेल है, लेकिन उसे सीरीज के अंदर ब्लैक दिखाया गया है। साथ ही साथ कॉमिक बुक के अंदर विलियम इनिशियली अपनी सेक्सुअलिटी को छुपाता है, लेकिन सीरीज के अंदर वो शुरुआत से ही गे है। और अगर जेंडर की बात ही हो रही है तो Amazon सीरीज के अंदर दिखे हुए श्रिंकिंग रे और ग्रीन घोस्ट बेसिकली मेल कैरेक्टर्स हैं, जिन्हें सीरीज में फीमेल कर दिया गया है। वहीं पर सीरीज के अंदर दिखा हुआ डार्क विंग कॉमिक्स के अंदर एक वाइट मेल कैरेक्टर है, और जमाने के हिसाब से ये सारे के सारे चेंजेस सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर मार्क ग्रेसन को उसका नाम इनविंसिबल उसे कैसे मिलता है, क्योंकि सीरीज के अंदर उसके पिता यानी ओमनी मैन ने उसका नाम दिया था, जो कि ऑब्वियसली क्लाइमेक्स में उसके पिता के साथ उसकी लड़ाई में बहुत ही ज्यादा आयरोनिक साबित हुआ। वैसे कॉमिक बुक के अंदर उसे ये नाम बहुत ही अलग ढंग से मिलता है, जहाँ पर जब वो अपने एक स्कूल के बुली से निपटता है तब उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है और वहाँ पर उसके प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि यू आर नॉट इनविंसिबल, और यहीं से उसे अपना नाम का आइडिया मिलता है। अब चलिए बात करते हैं इनविंसिबल के टीन टीम से मिलने के प्रोसेस के बारे में। सीरीज के अंदर तो ये तब होता है जब फ्लैक्शंस की आर्मी हमला करती है और इनविंसिबल अपना सपोर्ट टीम को दिखाता है, पर कॉमिक बुक के अंदर इनविंसिबल उनसे और भी पहले मिल जाता है, जहां पर वो बेसिकली अपने पावर्स की टेस्टिंग के दौरान ही द टीन टीम से मिल जाता है, जहां पर वो उसकी मौलर ट्विन से निपटने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन सीरीज के बीच में उसे फ्लैक्शंस की लड़ाई के बीच में दिखाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, जहां पर वो बेसिकली अपनी जान को दांव पर लगाकर एक बूढ़ी औरत को बचाता है, जो बेसिकली उसके अपराइट मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सही था। साथ ही साथ हमें टीन टीम का डेमो भी देखने को मिल गया। अब यहां पर फ्लैक्शंस की बात हो ही रही है तो यहां पर कॉमिक बुक से हटकर एक और डिफरेंस है, जहां पर सीरीज के अंदर जिन फ्लैक्शंस से द टीन टीम निपटते हुए दिखते हैं उन फ्लैक्शंस की आर्मी से इनविंसिबल और उसके डैड ओमनी मैन निपटते हैं, जहां पर इवेंचुअली फ्लैक्शंस ओमनी मैन को किडनैप कर लेते हैं एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल सीरीज की तरह ही ओमनी मैन उनके होम प्लेनेट पर जाकर उन्हें तबाह करता है। सीरीज के अंदर हमें बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स और साइड विलन्स भी देखने को मिले, लेकिन विलन्स के मामले में इस सीरीज के अंदर जितना दिखाया गया है यकीन मानिए वो उतना ही कम है, और इस सीरीज के अंदर हमारा ज्यादातर अटेंशन फ्लैक्शंस ही ले गए। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर कॉमिक्स में इनविंसिबल के कई ऐसे सुपर विलन्स भी हैं जो उसके लिए कॉमिक बुक के अंदर चैलेंज बनते हैं
और बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई रखते हैं, जिनमें सबसे क्रेजी था डेविड हाइल्स, जो बेसिकली मार्क का टीचर था और जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे वो उनके ऊपर बम बांधकर उन्हें एक्सप्लोड करता था। ऑफ कोर्स सीरीज के अंदर इस चीज को बदलकर कई सारे साइड सुपर विलन्स को आगे के आने वाले सीजन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि ऑफ कोर्स एक रिजल्ट हो सकता है आने वाले बहुत ही धमाकेदार सीजन का। और क्या पता हमें अगले सीजन में डेविड हाइल्स देखने को मिल ही जाए। सीरीज के अंदर शायद ओमनी मैन की सबसे करीब उसकी वाइफ डेबी ही एक ऐसी इंसान थी जिसे उसके करतूतों के बारे में पता चला होता है। ऑब्वियसली सीरीज के अंदर डेबी के थ्रू हमें एक बहुत ही इम्पैक्टफुल और इमोशनल रिवील मिला, लेकिन अगर चीजें कॉमिक बुक के हिसाब से होती तो शायद थोड़ा ज्यादा मजा नहीं आता, क्योंकि बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर डेबी को इनविंसिबल के साथ ही पता चलता है, और वो बेसिकली जब नोलन को लाइव टेलीविजन पर अपने बेटे को पीटते हुए देखती है तब उसे सब कुछ पता चलता है। और मेरे हिसाब से कॉमिक बुक का ये चेंज बहुत ही ज्यादा सही था। अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसने हमें इस शो को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया, जहां पर ये एनिमेटेड हिस्ट्री की सबसे वॉयलेंट सीक्वेंसेस में से एक साबित हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओमनी मैन के गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मारने की। इनविंसिबल कॉमिक सीरीज के अंदर पुराने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को इश्यू 7 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी इशू में नोलन उनकी बहुत ही बेदर्दी से जान लेता है। अब यहाँ पर टीवी शो से फर्क बस इतना ही है कि सीरीज के अंदर जहाँ पर हमें ओमनी मैन के खिलाफ बाकी के गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को लड़ते हुए दिखाया गया है, कॉमिक्स में गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को इतना भी मौका नहीं मिलता और ओमनी मैन पलब झपकाते ही उन्हें मार डालता है। सो गाइस, ये थे कुछ बड़े डिफरेंसेस इनविंसिबल अमेज़न सीरीज और इनविंसिबल कॉमिक बुक के बीच में। मेरे हिसाब से ये शो लिटरली बहुत माइंड ब्लोइंग है और अपने पहले ही सीजन से ये टॉप शोज में से एक बन चुका है। इसीलिए इस चैनल पर जल्दी ही हम इस सीरीज के 15 फैक्ट के साथ साथ इससे जुड़े हुए और भी कई सारी वीडियोस को लेकर आएंगे। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कौन कौन से इनविंसिबल के डिफरेंसेस जानते हैं, अगर हो सके तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।